देश में एक बार फिर कोरोना से खतरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से केंद्र ने राज्य सरकारों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली में ही सबसे ज्यादा कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 484 नए मामले सामने आए, तो वहीं कोरोना के 3 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी लगातार लोगों को डरा रहा है। इस वक्त राजधानी में संक्रमण दर 26.58% तक पहुँच गया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए एम्स ने अपने स्टाफ के लिए नया प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसमें किसी भी तरह के बड़े कॉन्फ्रेंस से बचने की हिदायत दी गई है और एम्स में दफ्तर के अंदर बाहर से आने वालों की संख्या कम करने के निर्देश दिए गए हैं और कई लोगों को एक साथ इकट्ठा होने से भी मना किया गया है। दिल्ली के साथ महाराष्ट्र में भी कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या लोगों को डरा रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 328 नए केस दर्ज किए गए, जबकि एक मरीज की जान चली गई, तो वहीं कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,500 से ज्यादा पहुंच गई है। महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार हरकत में आ गई है। मुंबई में बीएमसी ने सभी सरकारी अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर में मौजूद अपने पड़ोसी लेबनान पर हमला करने के बाद इसराइल ने अपने दूसरे पड़ोसी सीरिया की सेना के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। यहां भी इसराइल ने लेबनान की तरह पहले सीरिया के उस पर हमला करने का दावा किया और फिर इसराइल ने खुद पर हुए हमले का बदला ले डाला, जिसके लिए इसराइल ने तोपों से लेकर ड्रोन और अपने लड़ाकू विमान सीरिया के पीछे छोड़ दिए और सीरिया की सेना के अड्डों को चुन चुन कर निशाना बनाया। इसराइल ने दावा किया कि हमलों की शुरुआत सीरिया ने की। सीरिया ने उस पर 6 रॉकेट छोड़े, इसलिए इसराइल के ड्रोन ने उन लॉन्चरों को ही तबाह कर दिया जिनसे इसराइल पर अटैक हुआ था। इसराइल का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। इसके बाद उसने सीरिया के एक मिलिट्री कंपाउंड, रडार सिस्टम और तोपों को बर्बाद कर दिया। हालांकि हमलों की जिम्मेदारी फिलिस्तीन के एक चरमपंथी संगठन ने ले ली, जो सीरिया से ऑपरेट करता है और वो सीरिया की सरकार का वफादार भी है। इसलिए इसराइल ने कहा कि उस पर सीरिया की जमीन से हुए हर हमले का वो सीरिया की सरकार और सेना से बदला लेगा। इसलिए इसराइल ने अपनी फौज को काम पर लगा दिया और सीरिया की सेना के अड्डों पर टूट पड़ा। रॉकेट दागने वाले सीरिया के फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन ने बयान जारी कर कहा कि उसने इसराइल से रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद में हुई रेड का हिसाब बराबर कर लिया। पिछले हफ्ते इसराइल की पुलिस लगातार 2 रात यरूशलम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में घुसी थी। उसने वहां नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनियों से मारपीट की थी और उन्हें मस्जिद से निकाल दिया था, जिसके बाद से मुस्लिम देश इसराइल पर आग बबूला है। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने तो उसी दिन गाजा पट्टी से इसराइल पर जवाबी वार कर दिया था। फिर लेबनान की तरफ से इसराइल पर रॉकेट गिरे और अब सीरिया से इसराइल पर रॉकेट चले। इसराइल और सीरिया पड़ोसी हैं। इसराइल के उत्तर पूर्व में सीरिया है। बताया गया कि सीरिया से जो रॉकेट चले वो इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में जाकर गिरे। गोलान हाइट्स इसराइल और सीरिया के बीच 1200 वर्ग किलोमीटर का वो इलाका है जो वैसे तो सीरिया का हिस्सा है, लेकिन 1967 की जंग जीतने के बाद इसराइल ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। ऐसे में गोलान हाइट्स में हुए हमले पर इसराइल भड़क गया और उसने सीरिया पर वार कर दिया। इधर उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से प्रशासन अलर्ट हो गया है। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71 नए केस दर्ज किए गए, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 147 तक पहुंच गई है। बागेश्वर में कोरोना के खतरे को देखते हुए अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई और जिले के कई अधिकारियों ने कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत बाकी उपकरणों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। देश भर के अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की शुरुआत हो गई।